नमस्कार, क्रिएटिव नीता चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डेज़र्ट की रेसिपी। ये डेज़र्ट गर्मियों में काफ़ी अच्छा लगेगा। शाही टुकड़े को आज हम एक नए रूप में बनाएंगे, शाही टुकड़ा मूस। तो चलिए जानते हैं शाही टुकड़ा मूस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में हम लेंगे 1 कप दूध। ये उबला हुआ दूध है, आप चाहो तो कच्चा दूध भी ले सकते हो। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी की मात्रा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 1/2 कप दूध में मैं मिला रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस समय दूध ठंडा होना चाहिए, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। जो दूध और चीनी हमने मिक्स करके रखी थी इसे हम उबाल लेंगे। 1 उबाल आने देंगे इसमें हम। उबाल आने के बाद जो कॉर्नस्टार्च वाला मिश्रण हमने बना करके रखा था वो इसमें हमें डालना है और कंटिन्यूअसली इसे हमें चलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना पड़े। इसमें उबाल आ चुका है, अब इसी घोल को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और कंटिन्यूस इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना पड़ जाए। ये इंस्टेंट रबड़ी हम बना रहे हैं इसीलिए हमने कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च ना हो और कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल हो तो आप कॉर्नस्टार्च की जगह कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हम गाढ़ा होने देंगे। ये गाढ़ा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा पड़ जाएगा। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में हम लेंगे 1/2 कप शुगर, उसका डबल हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। इसकी हमें कोई 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शुगर के डिज़ोल्व होने तक इसे हमें पकाना है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे कुछ केसर के धागे, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो ना डालें। बस शुगर मेल्ट हो चुकी है, बस इसी स्टेज तक इसे हम पकाएंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने ली है 4 ब्रेड की स्लाइसेस। जितनी पीसेस आपको बनाना हो उस हिसाब से आप ब्रेड की स्लाइसेस ले। मैं यहाँ 2 कप बना करके तैयार कर रही हूँ। ये जार के हिसाब से मैं बना रही हूँ। मूस जार का साइज जितना है उसी हिसाब से हम ब्रेड को कट कर लेंगे कुकी कटर की मदद से। आपके पास कटर ना हो तो आप किसी कटोरी की मदद से कट कर ले, और जार वगैरह अगर ना हो तो आप किसी बेकिंग डिश में भी इसे बना करके तैयार कर सकते हो। ये सबको हमने काट लिया, अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। शाही टुकड़ा है तो घी में ही रिच लगता है, आप चाहो तो तेल में भी फ्राई करके तैयार कर सकते हो। घी का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, अलट पलट करते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। शाही टुकड़ा तो आपने कई बार खाया होगा, इस तरह से आप एक बार बना करके ट्राई करें, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। इसी तरह से हम बाकी की बची हुई ब्रेड भी फ्राई कर लेंगे और इसको इमीडिएटली हम चाशनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए, अगर ठंडी पड़ गई हो तो आप इसे गुनगुनी कर ले। और 2 मिनट के लिए इसे हम डिप करेंगे। सौगी नहीं होनी चाहिए, ना ही क्रंची रहनी चाहिए। 2 मिनट बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये चाशनी का इस्तेमाल आप बाकी किसी डेजर्ट में भी कर सकते हो, इसे फेंके ना। जार में असेंबल कर लेते हैं। 1-1 मैंने इसमें डाल दिया और बाकी के 2 पीस भी हम फ्रिज में रख देंगे। इसे हम इवनली चम्मच की मदद से सेट कर देते हैं। दोनों जार और ब्रेड की स्लाइसेस को हम फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैंने यहाँ ली है 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम।
इसको हम विप कर लेंगे। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से विप कर रही हूँ। सॉफ्ट पीक आने तक इसे हमें बीट करना है, ज़्यादा बीट नहीं करना है। ये विप्ड होके तैयार है और जो मलाई हमने ऑलरेडी बनाई थी, जो रबड़ी जो हमने बना करके रखी थी, वो काफ़ी गाढ़ी पड़ चुकी है। वो ग्लास वाला बोल छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरा बोल ले लिया है। इसमें सारी रबड़ी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और जो व्हिपिंग क्रीम हमने व्हिप करके रखी थी उसे भी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और वापस से अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। सब कुछ अच्छे से कंबाइन हो जाना चाहिए। इस स्टेज पे अगर आपके पास रोज़ एसेंस अवेलेबल हो तो उसकी दो बूंद आप ज़रूर से डालें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है उससे भी। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ज़्यादा भी बीट नहीं करना है। ये क्रीम हमारी तैयार है। इसे मैं एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि सेट करते समय जार में आराम रहे। आप चम्मच की मदद से भी सेट कर सकते हो। जार को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम असेंबल करेंगे। हम दो लेयर करेंगे। फर्स्ट लेयरिंग वाली क्लिप मेरे से मिस हो चुकी थी क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो चुका था, तो मैं आपको सेकंड लेयर करके बता रही हूँ। ये ब्रेड की स्लाइसेस मैंने रखी। पाइपिंग बैग से हम क्रीम को अच्छे से डाल लेंगे, असेंबल कर लेंगे। इसी तरह से मैंने फर्स्ट लेयर की थी। क्रीम को स्प्रेड करने के बाद मैंने फर्स्ट लेयर में पिस्ता और बादाम की कतरन को स्प्रिंकल किया था। इसी तरह से हम सेकंड लेयर में भी करेंगे। क्रीम को हमने डाल लिया, चम्मच की मदद से इसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। जितनी क्रीम हमने बनाई थी उससे कम से कम चार जार बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने दो ही बनाए हैं। अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे पिस्ता। फर्स्ट लेयर में भी मैंने ऐसे ही किया था। साथ ही हम डाल देंगे बादाम बारीक कटा हुआ। और ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ रोज़ पेटल्स। मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए, आपके पास ना हो तो ना डालें। ये शाही टुकड़ा मूस हमारा सर्व होने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसे हम एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। चिल्ड होने के बाद इसे हम सर्व करेंगे। मैंने एक घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख लिया था। अब ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई भी घर में छोटी मोटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी या किटी पार्टी, आप इस डेज़र्ट को आराम से बना सकते हो। गेस्ट को ये डेज़र्ट काफ़ी पसंद आएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।